की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं पर्पल हॉल। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी पर्पल से, तो आज उसी का हॉल शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ बड़ा हॉल नहीं है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई थी मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ ये वाला वीडियो शेयर कर लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं वो है इसके अंदर, और ये है पर्पल का। तो पर्पल का जो हॉल है उसके अंदर ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, तो छोटा सा हॉल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने ये बाय किया है NYBA का लिपस्टिक। तो ये वाला NYBA का शक्ति सीरीज़ का। सो इसके अंदर जो मैंने शेड मंगवाया है वो है सैसी सांबा 7। तो इसको मैंने अभी वेयर किया है, ये वही शेड है। तो ये शेड काफ़ी अच्छा है और ये मैट लिपस्टिक है और ये ट्रांसफ़र प्रूफ है। आप इसके अंदर की पैकेजिंग देख लीजिए, कितने अच्छे पैकेजिंग करके दी है इन लोगों ने। तो ये लिक्विड लिपस्टिक है, तो इस तरह से आप इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, प्लस ये बहुत ज़्यादा जल्दी से सूख भी जाता है और पूरा ट्रांसफ़र प्रूफ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है ये लिपस्टिक, बहुत अच्छी है। और इसका प्राइस समथिंग 280 रुपीज़ का इसका MRP है, लेकिन आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो 280 रुपीज़ का इसका MRP है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, अगेन मैं लिपस्टिक शेयर करूँगी। तो ये भी जो मैंने मंगवाया है ये भी NYBA का क्रेयॉन लिपस्टिक है। तो ये भी न्यूड कलर में आता है, ये वाला आप देख सकते हैं इस तरह से। ये काफ़ी क्रीमी है लेकिन ये ट्रांसफ़र प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है। तो इसको लगा के तो आप मास्क पहन नहीं सकते क्योंकि ये पूरा फैल जाती है। आपको शेड दिखाती हूँ मैं इसका। तो ये जो है ना बिल्कुल न्यूड है, अगर आप ऑफिस में वगैरह इसको वेयर करके जाएंगे तो ये सही रहेगा। ये भी जो मैंने अभी वेयर की है ये भी ऑफिस में आप वेयर करके जा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा शेड है। तो ये वाला जो शेड है ये है 8811। तो गाइज अगर आपको भी ये वाला शेड अगर बाय करना है NYBA का, ये न्यूड लिपस्टिक है, क्रेयॉन लिपस्टिक है, इसको आपको शार्प करने के लिए शार्पनर नहीं दिया जाता है, आपको अपना खुद का शार्पनर यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो है ये प्लास्टिक में है, तो आपको अच्छी क्वालिटी का शार्पनर यूज़ करना चाहिए। इसका प्राइस मेरे को याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 120 या 130 रुपीज़ का ये आता है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं NYBA के प्रोडक्ट्स, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगेन ये डिस्काउंट। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है ये है ईवा का वाइल्ड नो अल्कोहल स्किन फ्रेंडली डिओड्रेंट। तो ये काफ़ी पुराना ब्रांड है, आप में से कई सारे लोगों ने इसको यूज़ किया होगा। तो इसकी जो स्मेल है ना काफ़ी अच्छी है, लाइट स्मेल है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, बहुत जल्दी से छुमंतर हो जाता है। तो इसको मैंने बाय किया है 190 में, इसके ऊपर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, ये 190 का मेरे को 190 में ही मैंने बाय किया है। तो आप भी इसको चेकआउट कर सकते हैं पर्पल पे, या फिर आप इसको लोकल स्टोर पे भी बाय कर सकते हैं, कहीं पर भी अवेलेबल हो जाता है। और इसके अंदर काफ़ी सारे वैरायटीज़ आते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है वो उसको बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है वाव का सनस्क्रीन। तो ये जो वाव का सनस्क्रीन है ये 55 SPF वाला मैंने मंगवाया है, और इसका जो प्राइस है ये है 499 रुपीज़ का। तो इसके ऊपर भी मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, मुझे 499 पे ही इसको बाय करना पड़ा था, अभी अर्जेंसी थी तो मैंने मंगवा लिया है इसको 499 में। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अभी देखते हैं इसको यूज़ करके। ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसको यूज़ करने के बाद ये किस तरह से क्या रिजल्ट देता है मैं इसका रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि ये 499 में जो है सिर्फ 100 ml का बॉटल आता है सनस्क्रीन का। तो बात तो सही है कि थोड़ा सा कॉस्टली है, बट देखते हैं यूज़ करके। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है NYBA का प्राइमर। तो ये मैंने छोटू सा साइज़ मंगवाया है, ये मेरा फर्स्ट प्राइमर है,
NYB का, तो देखते हैं इसको यूज़ करके किस तरह से क्या रिज़ल्ट देता है। तो ये 15 ग्राम का प्रोडक्ट है और ये मुझे समथिंग 150 अराउंड आया था। तो ये वाला भी प्रोडक्ट हम यूज़ करके देखेंगे किस तरह से क्या इसका रिज़ल्ट आता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास, वो है वाव का शैम्पू। तो ये है वाव का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। तो इसका जो MRP है ये 130 रुपीज़ का है। 130 रुपीज़ का ये 100 ml आता है। अगेन ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है वाव से, तो इसके बाद मैं देखती हूँ इसको यूज़ करके ये किस तरह से रिज़ल्ट देता है और उसके बाद आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट और बेस्ट प्रोडक्ट हैं वो है केवल क्रीम, और ये है ओले की नेचुरल वाइट क्रीम। और ये इंस्टेंट वाइटनिंग प्रोवाइड करता है आपकी स्किन पे। आप भी इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्रीम है। और इसका जो MRP है वो 169 का है। अगेन मुझे इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला था, ये MRP पे ही मेरे को बाय करना पड़ा था। तो ये 169 रुपीज़ का आता है प्रोडक्ट और 40 ग्राम का प्रोडक्ट है ये। तो ये गाइस इतने से ही प्रोडक्ट मैंने मंगवाए थे पर्पल से। तो अभी तो पर्पल पे कोई डिस्काउंट वगैरह सेल वगैरह नहीं चल रहा है फिलहाल। तो आप भी, अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करने हैं तो आप भी बाय कर सकते हैं पर्पल से। और पर्पल का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर उनके साइट पे जाके भी आप प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है वो सारे प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल है। मोस्टली ज़्यादातर हर एक ब्रांड के वहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।